नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ओनर क्लासिक ईयरफोन का रिव्यू, इसकी अनबॉक्सिंग, और मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसको हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या ये वर्थ है 400 रुपीज में। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर बॉक्स की बात की जाए तो ये एक स्काई ब्लू कलर का बॉक्स है, जिसके ऊपर ये फोटोज बनी हुई है इसकी, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कंट्रोल बटन्स, बिल्ट इन माइक्रोफोन। साइड में हमको एक ऑथेंटिकेशन के लिए एक QR कोड मिल जाता है, इसको स्क्रैच करेंगे तो हमें QR कोड हम स्कैन कर पाएंगे। और इसका प्राइस देखें पीछे से, तो इसका प्राइस है 599 रुपीज़, मॉडल है AM115। तो आइए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। यहाँ पे एक फ्लैप दिया हुआ है ताकि यहाँ से इसको खींचा जा सके, ऐसा लुक मिलता है, इसे निकाला जाए। और यहाँ पे हमको एक बैंड मिलता है, बैंड नहीं है, कुछ प्लास्टिक का कवर है इसको बाइंड करके रखने के लिए। और अगर बॉक्स में देखें तो और बॉक्स में कुछ भी नहीं। डिज़ाइन की बात करें तो ऑलमोस्ट एप्पल से थोड़ा इंस्पायर्ड है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा कर्व दिया है जो कि कान के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा ये वाला हिस्सा। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आवाज़ के लिए इधर एक मैश है, साइड में एक मैश है जहाँ से आवाज़ आने वाली है। ये मैश इसलिए ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। और पीछे यहाँ पे होल है, इधर होल है। वायर की बात करें तो वायर बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। रिमोट की बात करी जाए तो यहाँ पे ब्रांडिंग है, इधर माइक है, पीछे देखेंगे तो तीन बटन है, एक बीच में जो है कॉल डिसकनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए है, और प्लस माइनस मतलब वॉल्यूम को ऊपर नीचे करने के लिए है। और इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक टैगिंग मिल जाती है जो कि यहाँ पे QR कोड बना हुआ है, हो सकता है वारंटी के लिए हो। यहाँ पर हमें इसका मॉडल नंबर मिल जाता है और इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती है। अगर हम इसके 3.5 mm पिन की बात करें तो ये बिल्कुल भी गोल्ड प्लेटेड नहीं है और ये थोड़ा प्रीमियम लुक नहीं देता। बाकी इधर से अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रीमियम लुक है और थोड़ा अच्छा है। तो आइए, ओवरऑल तो हमने देख लिया कि ये कैसा है, अब इसकी आवाज़ सुन के देखी जाए कि इसकी आवाज़ कैसी है। दोस्तों करीब आधे घंटे इसको यूज़ करने के बाद, अलग अलग तरीके के गाने सुनने के बाद में मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि इस ईयरफोन में बेस अच्छा है, बस थोड़ी सी कमी है कि इसमें ट्रेबल थोड़ा सा ज़्यादा है। वो भी तब हमें फील होता है जब हम इसको फुल वॉल्यूम में सुनते हैं, तब हमें थोड़ी सी इरिटेशन महसूस होती है ट्रेबल में, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम है कि मिड साउंड्स, वोकल्स, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड क्लियर। अगर आप एक बेस लवर नहीं है और आप जो तेज़ आवाज़ में गाना नहीं सुनना चाहते तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत परफेक्ट चीज़ है इतने प्राइस रेंज में। 399 रुपीज़ में एक अच्छी डील है। दोस्तों अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ये अमेज़ोन पे उपलब्ध है और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज़ लिंक भी डाल दिया है, वहाँ से भी क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे बने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्माइलिंग।